लखनऊ में बेखौफ हो चुके बदमाशों को अब पुलिस का भय नहीं रहा। आलम यहां अब यह हो चुका है कि दबंग घर में भी लोगों को पीट पीट कर अधमरा कर रहे हैं और जब पीड़ित इलाज के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहां भी उनकी पिटाई की जा रही है। ऐसी ही घटना लखनऊ के बलरामपुर सरकारी अस्पताल में हुई है। यहाँ दबंगों का शिकार हुए घायल शख्स इलाज कराने के लिए आए हुए थे। इसी दौरान दर्जन भर से ज्यादा दबंगों ने अस्पताल में ही पीड़ितों पर दोबारा धावा बोल दिया। दबंगों ने न सिर्फ पहले से घायल हुए पीड़ितों की पिटाई की बल्कि हॉस्पिटल की इमरजेंसी में फायरिंग भी की। दबंगों द्वारा की गई फायरिंग में एक शख्स को गोली भी लगी। दबंगों की करतूत का किसी ने वीडियो बनाया जिसमें साफ दिख रहा है कि दबंग किस कदर बेखौफ होकर सरकारी अस्पताल में कहर बरपा रहे हैं। मामले में किसी दबंग की गिरफ्तारी की कोई खबर तो नहीं, लेकिन घटना ने साफ कर दिया कि लखनऊ में पुलिस का इकबाल नहीं बचा। देख रहे थे घर से निकले तो ये लोग अनूप, राहुल, आनंद, अजय, आलोक बाजपेयी, पीयूष तिवारी, प्रिंस तिवारी, अशोक तिवारी, ये सब लोग थे। मार रहे थे मेरे भाई को लाठी डंडों से। बहुत तो मैं दौड़ के गया, घर वालों को बुलाया हमने, तो घर वाले आए तो उनको भी मारने लगे। वो सब लोग मार के भाग गए, चार हवाई फायरिंग की वो भाग गए। यहाँ जब आए पट्टे कराने हम लोग आए, यहाँ भी मारपीट शुरू कर दी, यहाँ भी गोली फायर कर दी। कैमरामैन शैलेंद्र शर्मा के साथ धीरेन्द्र श्रीवास्तव, जनमत न्यूज़, लखनऊ।